हाय गाइस, आई एम अंजलि। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राइस वाटर यानी कि चावल के पानी का यूज़ करके कैसे आप अपने बालों में ग्रोथ ला सकते हैं, आप अपने बालों को लंबा और घना बना सकते हैं। राइस वाटर जो होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं हमारे बालों के लिए। एंड गाइस, आज से 3-4 महीने पहले जो मेरे बाल थे उसमें बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो गए थे, यानी कि 2 मुए बाल हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे अपने बालों को कटवाना पड़ा था, यहाँ से अपने बालों को कटवाना पड़ा था। उसके बाद मैंने राइस वाटर को अप्लाई किया अपने बालों में, कम से कम मैंने 1 मंथ तक इसे अप्लाई किया एंड मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे। मुझे 1 मंथ में ही काफ़ी ज़्यादा अपने बालों में ग्रोथ देखने को मिली थी। और अगर आप भी रेगुलर बेसिस पे इसे अप्लाई करेंगे तो आपको भी ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने बालों में। एंड अगर आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए तो आपको कम से कम वीक में 2 बार तो इसे ज़रूर अप्लाई करना है, राइस वाटर को अपने बालों में। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, हेयर लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जो बाल है बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं राइस वाटर को। और ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसे अप्लाई करने का क्या सही तरीका है उसे आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जब भी आप कोई भी फेस मास्क, फेस पैक या फिर बॉडी पैक अप्लाई करते हैं, उससे पहले आप अपने फेस को या बॉडी को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद ही उसे अप्लाई करते हैं, जिससे आपके फेस में जितनी भी डर्ट हो वो रिमूव हो जाए। इसी तरीके से आपको अपने बालों को सबसे पहले शैम्पू कर लेना है, अपने बालों को अच्छे से क्लीन कर लेना है, अपने स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही राइस वाटर को अप्लाई करना है, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिल सके। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे राइस वाटर के। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप राइस वाटर को अप्लाई करें उससे पहले अपने बालों में शैम्पू कर लें, अपने बालों को क्लीन कर लें, उसके बाद ही उसे अप्लाई करें। और अगर आपने अपने बालों में ऑयलिंग कर रखी है तब तो आपने अपने बालों में ज़रूर शैम्पू करना है। और अगर आप कोई भी हेयर मास्क या फिर हेयर पैक अप्लाई करते हैं उससे पहले भी आपको शैम्पू करना चाहिए, अपने बालों को क्लीन करना चाहिए, उसके बाद ही अपने बालों में उसे अप्लाई करना चाहिए, ताकि उसको उसके कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले, बल्कि उसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो अब मैं राइस वाटर को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले अपने बालों में शैम्पू कर लूँगी। एंड गाइस, आपको अपने बालों को वॉश करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जब आपके बाल थोड़े थोड़े ड्राई हो जाएं तब आपको राइस वाटर अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको राइस वाटर कैसे प्रिपेयर करना है। तो हम बनाएंगे फर्मेंटेड राइस वाटर। तो फर्मेंटेड राइस वाटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है एक बाउल में राइस यानी कि चावल। आपको 1 कप चावल ले लेना है। इसमें जो राइस होता है वो सभी के घर में इजीली मिल जाता है। तो अब हम राइस में 1 ग्लास वाटर ऐड करेंगे और इस वाटर की हेल्प से हम राइस को अच्छे से वॉश कर लेंगे, अच्छे से क्लीन कर लेंगे, जितनी भी डर्ट होगी वो इस पानी में आ जाएगी। और उसके बाद आपको इस गंदे पानी को फेंक देना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं तो हमारे राइस हैं वो अच्छे से क्लीन हो गए हैं। और अब हम इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे फिर से। और पानी ऐड करने के बाद आपको इसे भिगोने के लिए रख देना है, यानी कि आपको 6 से 7 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। मैंने यहाँ पे इसे रात भर के लिए छोड़ दिया था, ताकि जितने भी राइस के पोषक तत्व होंगे वो पानी में आ जाएंगे और ये अच्छे से फूल जाएंगे। हमारे जो राइस हैं वो काफ़ी अच्छे से फूल जाएंगे सुबह जब आप देखेंगे। आपको इसे 24 घंटे के लिए नहीं रखना है, आपको इसे सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 घंटे के लिए आप इसे रख सकते हैं। अगर आप इसे 24 घंटे के लिए रखेंगे तो इसमें अजीब सी स्मेल आने लगेगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी। अब आपको इस राइस वाटर को अलग कर लेना है, राइस से दूसरे बाउल में निकाल लेना है राइस वाटर को। और उसके बाद आपको एक स्प्रे बॉटल लेनी है और इस स्प्रे बॉटल में आपको इस राइस वाटर को ट्रांसफ़र करना है। तो मैं यहाँ पे जितना भी राइस वाटर है उसे मैं एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। आपको इसे स्प्रे बॉटल में इसलिए ले लेना है ताकि आपको इसे अप्लाई करने में आसानी हो। स्प्रे बॉटल की हेल्प से आप अपने पूरे स्कैल्प में अच्छे से राइस वाटर को अप्लाई कर सकें। और अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कॉटन बॉल की हेल्प से भी अपने बालों में इसे राइस वाटर को अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस, ये जो फर्मेंटेड राइस वाटर है ये अप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे अपने हेयर पे, अपने स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। एंड गाइस, वॉश करने के बाद जो मेरे हेयर है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गए हैं। तो अब मैं इस राइस वाटर को अपने हेयर पे अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। एंड गाइस, आपको अपने पूरे बालों की जड़ों में राइस वाटर को अच्छे से अप्लाई करना है, ताकि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको प्रॉपरली मिल सकें। तो फर्मेंटेड राइस वाटर जो होता है वो हमारे बालों के पीएच लेवल को रिस्टोर
लगाने में हेल्प करता है। राइस वाटर जो हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं उन्हें भी ये रिपेयर करने में हेल्प करता है, और हमारे बाल जो हेयर फॉल की वजह से बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं उसे भी ये घना बनाने में हेल्प करता है, और साथ ही जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं यानी कि दो मुए बाल उसे भी ये कम करता है और हमारे बालों को स्मूथ, शाइनी, लॉन्ग और हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। राइस वाटर हमारे बालों में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में विटामिंस और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। राइस वाटर को अपने बालों की जड़ों में अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको पूरे हेयर लेंथ में भी इसे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट के लिए अपने बालों में मसाज करना है। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और राइस वाटर हमारे स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। मसाज करने के बाद आपको अपने बालों में जूड़ा बना लेना है, और उसके बाद 20 से 25 मिनट के लिए आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है, और उसके बाद अपने हेयर को वॉश करना है। एंड गाइस, अब मैं आपको क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि आपको सबसे पहले शैम्पू करना है, उसके बाद राइस वाटर अप्लाई करना है, एंड उसके बाद वॉश कर लेना है 20 से 30 मिनट के बाद, और उसके बाद आपके बाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपको भी आपके बालों में ग्रोथ देखने को मिलेगी, और आपको इसे वीक में 2 से 3 बार अप्लाई करना है। उसके बाद 1 मंथ में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपके बालों में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मेरे वीडियोस और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।